मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल अब्बा के पास इतने पैसे, अब आपने घर क्यों बेच दिया? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाए वहां घर टूट जाते। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे, मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के इस नए सफर में नए मेहमान के साथ बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री 2023 का आज पहला प्रोग्राम होने जा रहा है, 108 एपिसोड है। और हमेशा की तरह एशियन ट्रेड टीवी की और मेरे प्रोग्राम की ये रवायत रही है कि हम ऐसे ऐसे स्टार्स को आपसे मिलवाते हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपनी इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी खदमात सर अंजाम दी होती, बल्कि मुल्क पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा फ़ख्र का मुकाम होते हैं। और आज इनमें से एक पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद है। उम्मीद है कि आज का इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने इंडस्ट्री के हीरो और उनकी ज़िंदगी के दो पहलू हैं। एक पहलू उनका खिदमत जो है अपनी इंडस्ट्री के हवाले से है, दूसरा जो पहलू है उनका अपने पैशन के हवाले से, उनकी कामयाबी का क्या राज है और उनका क्या ऐसा वो करना चाह रहे हैं फ्यूचर में और अभी करीब करीब क्या उनके प्लान्स हैं वो जानेंगे। जी अब मेरे साथ मौजूद है गुलाम मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स एसोसिएशन मैनुफैक्चरर्स के। ये बहुत बड़ी एसोसिएशन है, पंजाब लेवल पर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को ये हेड करती है और इनकी बड़ी खिदमत है इसमें। इसके अलावा वो एक और इंडस्ट्री के सेक्रेटरी भी रहे हैं जो टावल एसोसिएशन इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरर्स की, उसको भी रिप्रेजेंट करते रहे हैं और ट्रेडिंग को बहुत ही करीब से जानते हैं और समझते हैं पाकिस्तान के हालात के मुताबिक अपनी इंडस्ट्री को। और इससे बढ़ के अगर मैं दूसरी तरफ उनकी पहलू बताऊँ ज़ात का या उनके प्रोफेशनलिज्म बताऊँ, वो है जनाब हैंड रीडिंग। ये फ़न ऐसा है जिसकी ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में डिमांड है। ये रिसर्च बेस्ड काम कर रहे हैं, इसके ऊपर एक बुक भी लिख रहे हैं वो, और पर्सनैलिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से वो डिफ़ाइन करना जानते हैं। ये उनका हुनर है, शौक़ है, बेसिकली ये उनका पेशा नहीं है, कारोबार नहीं है, लेकिन ये उनका शौक़ है। और वो शौक़ इस इंतहा तक है कि वो अब एक बुक की शेप में आ रहा है जिससे आप लोग बहुत जल्द मुस्तफ़ीद होंगे इंशाल्लाह। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो इंटरव्यू है इसमें वो ख़ुद डिफ़ाइन भी करेंगे, इसके ऊपर मज़ीद लोग बताएंगे कि वो ये हैंड रीडिंग का जो था उनका शौक़ वो उनका इस हद तक क्यों जुनून की बन गया कि वो एक किताब की शेप में वो ला रहे हैं। और इसमें हम उनकी इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो मेरे साथ रहे, स्टे विद अस। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, वाम वेलकम टू माय शो। और मेरे लिए खुशनसीबी की बात है गुलाम मुर्तज़ा साहब, मैं आज आपके साथ हूँ। सर मेरा चूँकि फॉर्मेट है ख्वाबों से तबीर तक, समझ गए होंगे आप, सक्सेस स्टोरी सफ़र। आपकी बहुत सारी खिदमात है ऑटोमोटिव पार्ट्स एसोसिएशन के हवाले से और डिफरेंट इंडस्ट्री में, टॉवल इंडस्ट्री हो या ट्रेडिंग इंडस्ट्री हो। आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे सर, ये अपनी इंडस्ट्री के हवाले से सबसे पहले अपना तारफ कराते हुए कि आप कहाँ से हैं और किस तरह से ये सारा कुछ यहाँ तक पहुँचे आप, प्लीज़। शुरू से अगर करें तो एक लंबी स्टोरी है, तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। बहरहाल मैं स्लम्स में पैदा हुआ हूँ। okay. बिल्कुल हमारा गांव था सियालकोट, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल पे। अब तो वहाँ फेंस उन्होंने लगा दी है, प्रोटेक्ट कर दी है। किसी ज़माने में उनको कोई नहीं होती थी, हमारे आगे वो इंडिया ही था। तो मुझे याद है जब हम क्रिकेट खेला करते थे छोटे छोटे, तो लेग साइड की बाउंड्री हमारी इंडिया की हुआ करती थी। तो वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ जी। बट ज़िंदगी मुख्तलिफ फेजेस उसमें से गुज़र के अब यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब मैं ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, ये ऑटो पार्ट्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, हम रिप्रेजेंटेटिव हैं। जितने ऑटो पार्ट्स बनाते हैं वेंडर्स हैं, जितने भी गाड़ियों के वेंडर्स हैं पाकिस्तान में उनकी ये एसोसिएशन एक्री, ये बिल्कुल एक्रीडेटेड जो है ना, जिसको बाकायदा हमने एक्रीडेशन ली हुई है इसके एसोसिएशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। उसके अलावा ये मेरा ख्याल है कि फर्स्ट ISO सर्टिफाइड अच्छा एसोसिएशन है कोई भी ट्रेड बॉडी पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है कभी नहीं है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो हमारी एसोसिएशन कॉरपोरेट क्लास पे है, 300 के करीब कॉरपोरेट मेंबर्स हैं इस पे, वो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। और इसकी दो हिस्से हैं, एक हिस्सा इसका
ये वाला है पंजाब का जिसको हम नॉर्थ कहते हैं, इसमें केपीके है, पंजाब है, और एक साउथ है उसमें कराची है, बलूचिस्तान है। तो दोनों मिल के तो ये एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं दोनों हिस्से। तो इलेक्शन हमारे बाई रोटेशन होते हैं, एक साल उधर का चेयरमैन होता है, इस साल इधर का होता है। वो डिसाइडेड है पहले से, वो डिसाइडेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, बल्कि ये ट्रेड लॉ है, गवर्नमेंट का लॉ है, हमारा नहीं है जी, ठीक है, हम तो उसी को फॉलो करते हैं। तो हमारा बड़ा एक मौसर इफेक्टिव रोल है, मिलियंस लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम जॉब्स दे रहे हैं, और जीडीपी में तकरीबन 1% के करीब हमारा शेयर है। और एक्सपोर्ट अब तो पहले खैर इतना एक्सपोर्ट का नहीं था, लेकिन अब बड़ी तेज़ी के साथ हमारे मेंबर जो हैं, हमारे मेंबर कंपनीज वो एक्सपोर्ट कर रही हैं, और हमारे पार्ट्स दुनिया में हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, अमेरिका में भी जा रहे हैं, यूरोप में भी जा रहे हैं। यानी कि हमारे पार्ट्स इस लेवल के बनती है प्रोडक्शन हमारी, हमारी बहुत बड़ी मार्केट अमेरिका की, यूरोप में हमारे पार्ट जा रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और हमारे हम किसी से वो नहीं है क्योंकि हमारी क्वालिटी में किसी से कम है, हम क्वालिटी हमारी एक्सेप्टेबल है एवरीवेयर इन दी वर्ल्ड, हमारी क्वालिटी जा भी रही है और एक्सेप्ट भी की जा रही है। सर किस गाड़ियों के लिए ज़्यादा हमारे पार्ट जो बन रहे हैं, हमारे बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि व्यूज को ये बताना चाहिए हमें, लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में हम इम्पोर्ट के ऊपर ज़्यादा इंसार करते हैं। इम्पोर्ट पे यस करते हैं, देखें ग्रेजुअली स्टार्ट तो इम्पोर्ट से ही हुआ जी हाँ। अभी भी कुछ चीज़ें हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने लोकलाइजेशन को अटेन कर लिया। फॉर एग्जांपल हम 2-3 व्हील उसका टोटली हम इधर बना रहे हैं, 95% पाकिस्तान में लोकलाइजेशन हमने कर लिया। इस तरह ट्रैक्टर इधर बन रहा है, ट्रैक्टर ना सिर्फ मिलत बन रहा है, अलगाजी है, ट्रैक्टर ना सिर्फ बन रहा है बल्कि एक्सपोर्ट हो रहा है ट्रैक्टर। इसी तरह हमारा जो बसेज हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो ज़रा कम है अभी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगले 2-3-4 साल में उसकी रेशो भी बढ़ जाएगी लोकलाइजेशन की। इस तरह कारें हम तकरीबन 60% पाकिस्तान में बना रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, ये जितने ब्रांड हैं लोग जैसे सुजुकी, बेसिकली हमारे 4 सेगमेंट हैं। ओके, हैवी, उसमें ट्रक बसेज वगैरह ये आ जाते हैं, उसके अलावा एक ट्रैक्टर है वो एग्रो मशीनरी ट्रैक्टर, उसके अलावा कारें हैं, और 2-3 व्हील्स रिक्शा, और जिसमें मोटरसाइकिलें हैं, ये हमारे 4 सेगमेंट है। आगे हमारी 8 इंडस्ट्रीज़ हैं, तो फोर्जिंग है, डाइकास्टिंग है, प्लास्टिक है, रबड़ है, तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और आगे बहुत बड़ा स्कोप है इसका। पाकिस्तान में ऑटो पार्ट्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप देखिए हमारी 24-25 करोड़ की आबादी है, उसके मुकाबले में गाड़ियाँ देखिए हमारी कितनी है, अगर हम प्रोपोर्शनेटली देखते हैं बाकी मुल्कों के साथ, तो यहाँ बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। थोड़ी सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने की जरूरत है, तो यहाँ ये आप तो सर इसमें स्मॉल व्हीकल्स भी आती हैं, यानी कि लाइक जैसे कि बाइक्स होगी, रिक्शास हो गए, उसी को हम ना 2-3 व्हील कहते हैं। ओके, 2-3 टू का मतलब है मोटरसाइकिल और 3 का मतलब है रिक्शा ऑटो, और ज़बरदस्त बन रही है हमारी क्वालिटी, और हमारा कोई भी चीज़ आप बेंच मार्क कर लें, कहीं से भी कर लें, पूरी दुनिया से किसी भी अगर ये चीज़ें हमारी क्वालिटी की हैं तो लोग दुनिया बाहर की दुनिया हमारी प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट कर रही है, अदरवाइज कौन करता है, कौन करता है हमारे का। अब कुछ हमारे मेंबर्स ऐसे हैं वो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, वो टोटली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लिहाजा क्वालिटी कोई इशू नहीं है। ये पाकिस्तान की जो बनी हुई है ना मुख्तलिफ इमेज जो बने हुए हैं, ये इमेज कुछ हमारी गलतियों की वजह से हैं, कुछ लोगों ने बना दिए हैं, कुछ हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा भी तो एक परसेप्शन है, क्रिएट की जा रही है उसी के बिहार के ऊपर सारी चीज़ें चलती हैं। रियलिटी रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं, नहीं हमारे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने अभी कही कि 60% हमारी प्रोडक्शन है इस टाइम, यानी कि हम लोकली प्रोडक्शन, वो भी सिर्फ कारों की, कारों की। इफ़ यू टॉक अबाउट 2-व्हील 3-व्हील एंड ट्रैक्टर्स, तो हम 95% से ज़्यादा अचीव कर चुके हैं, कर चुके हम लोकल बना रहे हैं। ट्रैक्टर ना सिर्फ लोकल बन रहा है बल्कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। यूरोप में भी हमने कहा, यूरोप में बहुत पार्ट जा रहे हैं हमारे, और अमेरिका में जा रहे हैं हमारे, अमेरिका में जा रहे होंगे, ठीक है, और एशिया में भी डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे होंगे। सर इसके बावजूद भी प्राइस क्यों, यानी कंज्यूमर प्राइस अगर हम बात करें, आम चीज़ गाड़ी की ले लें लोकल, अगर हम छोटे ब्रांड के 800 सीसी से लेके, क्या ये टैक्सेस की भरमार है कि हमारी पॉलिसीज़ का फुकदान है किसी जगह पर, या कि ट्रेड मिनिस्ट्री की तरफ से कोई ऐसी है, फिर क्यों वो क्यों आप इतनी बाहर होगी पहुँच के काम इंसान के बस में चीज़ नहीं रही। ये फिनोमेना हाइब्रिड किस्म का है, और बेशुमार चीज़ें हमें ठीक करने की ज़रूरत है अभी, लेकिन इंशाल्लाह हम लगे हुए हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ डायरेक्शन हमारी ठीक है। आप एक चीज़ मत भूलें,
कि हम पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो हाथ हैं इसको डिस्टेबलाइज करने वाले वो बहुत लंबे और गहरे हैं, ये मत भूलें आप। ये तो है। तो अब हम एक जंग लड़ रहे हैं और ये जंग जो है बाहर की फोर्सेस के साथ भी है, कुछ हमारे इंटरनल फोर्सेस के साथ भी हैं। तो मैं गोल गोल अल्फाज में यही कहूँगा, लेकिन एक बात ये है कि हमारी जो पपाम है, हमारी एसोसिएशन है, ये हम इंशाल्लाह हमारी डायरेक्शन बहुत क्लियर है और हमारी डायरेक्शन इन लाइन विद पाकिस्तान है। हम पाकिस्तानी हैं और हमारा तो मोटो ये है कि हमने लोकलाइजेशन करनी है, हमने लोकलाइजेशन को प्रमोट करना है और इम्पोर्ट डिलीशन, ये हमारा स्लोगन है। अगर कहें ना कि एक वर्ड में डिफाइन करें इसको आप पाम को, तो वो इम्पोर्ट डिलीशन है। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम हम जितनी जल्दी हो सकता है इम्पोर्ट को डिलीट करें। और जब हम इम्पोर्ट डिलीशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम $2 बचा रहे हैं, $2, एक एक्सपोर्ट की सूरत में और एक यहाँ $1 बना के। जी, तो पपाम इस सिलसिले में हमारे गोल्स, हमारा विजन, हमारी पॉलिसी, हमारी जो मैनेजिंग कमेटी है, दे आर वेरी हाईली लर्नर पर्सन और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है और एक अच्छी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखें दो तीन साल में काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसके ऊपर मज़ीद बात होती है। इस वक्त मैं एक स्मार्ट से ब्रेक लूँगा, ज़रूरत है, ठीक है, हम मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। कोई भी ऐसी कंपनी, मैं आपको बताऊँ, जो भी यहाँ जिसने भी काम शुरू किया है, छोटी गाड़ी का किया है, बड़ी गाड़ी का किया है, वो दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। जी, वेलकम बैक नाज़रीन, ख्वाबों से तबीयत तक के सफ़र में दोबारा से मैं आपको साथ हाजिर हूँ, पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनी। गुलाम मुर्तजा साहब मेरे साथ मौजूद है। गुलाम मुर्तजा साहब, ये बताइएगा कि एक आम परसेप्शन है कि यहाँ पर जो बाहर की कंपनीज हैं उनकी एक मोनोपोली है या लॉबी है, ठीक है, जो कि यहाँ पर एक लोकल मैनुफैक्चरर्स है बनाने वाली, उनको यानी कि थोड़ा सा हौसला मंद फ़ज़ा नहीं दी जाती, ठीक है, जिस वजह से वो हौसला शिकनी होती है लोकल मैनुफैक्चरर्स की, उनकी मोनोपोली की वजह से यहाँ के ब्रांड्स भी इस्टेब्लिश नहीं होते। बहुत सारे ब्रांड्स आए भी हैं और वो दिनों में रोल बैक भी हुआ है, आपको पता होगा भाई, तो मैं किसी एक ब्रांड का नेम नहीं लेना चाहता, ठीक है। और इसके अलावा वही मोनोपोलीज हैं जिस वजह से प्राइसेस इंक्रीज होती है। आपका क्या ख्याल है इसके मतलब? देखिए जी, मोनोपोलीज तो हर लेवल पर मौजूद हैं, जो हमारे स्ट्रक्चर में है, कुछ ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ठीक है, चीज़ें लेकिन ठीक हो रही हैं। बाहर वाले एक्चुअली जब आते हैं ना, तो बाहर वालों को हम बड़ी मुश्किल से लेके आते हैं, तो वो जो जब आ जाते हैं ना, उनको थोड़ा सा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, एक नेचुरल सी बात है, मिल जाता है। आप देखें कि हमारा इमेज बिगाड़ दिया गया हुआ है, बड़ी मेहनत की है, बड़े लंबे हाथ हैं हमारे, कुछ कहते हैं कि जो जिसकी स्ट्रेंथ होती है ना, वीकनेस भी उतनी बड़ी होती है। हमारी जितनी बड़ी स्ट्रेंथ है ना, हमारा जो हमारी जियोग्राफिक लोकेशन है, हमारे पास एसेट्स हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास ग्वादर है, हमारे पास सी पैक है, हमारे पास टूरिज्म है, इसी तनासब के साथ दुनिया हमारी मुखालफत में भी डटी हुई है। तो हम जब लोगों को बाहर से लेके आते हैं तो उनको एक मेहमान की तरह ट्रीट करते हैं, तो कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मोनोपोली का लफ्ज़ शायद ज़रा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। नहीं, मैं अपने लोगों की बात कर रहा हूँ, ये हमारे अपने लोगों में है। हाँ। कि यार इस वजह से यानी कि लोकल मैन्युफैक्चर जो है, यानी कि जो बनाना है या कार बनाना चाह रहे, ठीक है, उसको आगे नहीं आने दिया जाता, क्योंकि कुछ कंपनीज का है ऐसा कोई, यानी कि उसको कैसे, वही बात कि भी उनका कोई ऐसे तल्लुकात कह लें या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका लोकल। मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसी कंपनी, मैं आपको बताऊं, जो भी यहाँ जिसने भी काम शुरू किया है, छोटी गाड़ी का किया है, बड़ी गाड़ी का किया है, वो दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। ओके, दे आर डूइंग रोरिंग बिजनेस, वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कर रही हैं। कोई मुझे बताए ना कौन सी फैक्ट्री बंद हुई है? ये कोई शट डाउन कर देना फैक्ट्री ने 4-6 माह के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, किसी को स्पेसिफिक टाइम के लिए, ये तो चलता रहता है, पूरी दुनिया में चलता रहता है। मुझे ये बताएं कि वाइंड अप करके कौन गया? बल्कि आप देखें पिछले 5-7 साल में तो कितने लोग आए हैं, ब्रांड्स तो आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और टोयोटा जो ब्रांड, जो टोयोटा पार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जापान में, उसको वही उसी स्टैंडर्ड का यहाँ से हम बना के दे रहे हैं, इसीलिए तो वो चल रहा है। सुजुकी अगर कोई जापान में जो चीज़ जो उसका स्टैंडर्ड है, वो पाकिस्तान में उसको मिल रहा है, वो 40% है, 60% है, 70% है, जितना भी है, वो उसी क्वालिटी में उसको मिल रहा है। तो गाड़ियाँ तो एक्सपेंड कर रही हैं,
मैं ये कहता हूँ आप इसको छोड़ दें, सिर्फ आप पिछले 5 साल में देखें, 5 साल पहले रोड्स पे गाड़ियाँ कितनी थी, तो रोड कितने थे, आज कितने, जवाब मिल जाएगा आपको, जवाब मिल जाएगा। चलिए ये तो अच्छी बात है, खुशाइन बात है। ठीक प्रभु, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कुछ चीज़ें हैं, मार्जिन ज़रूर मौजूद है, और चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं जी बेहतर है बस इधर रोक दें सब कुछ, आइडियल है सारी चीज़ें जो आइडियल कुछ भी नहीं होता, आइडियल कुछ भी नहीं होता, मार्जिन है। लेकिन ये जो प्रोपोगंडा जो हो रहा है ना, तो प्रोपोगंडा तो सर्टन कॉर्नर से हो रहा है ना, वो पाकिस्तान को डिफेम करना, और पाकिस्तान में जो बाहर आप देखें ना, बाहर किसी को आप कहते हैं जी पाकिस्तान जाना है, मेरे एक जानने वाले ने कहा जी कि मैं वो अमेरिका से कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो पूरी उसकी फैमिली इकट्ठी होगी उसको रोकने के लिए। तू क्या तेरा दिमाग ठीक है, तो वो रिलक्टेंट हो गया, लेकिन इवेंचुअली वो आ गया, लेकिन जब आया तो फिर वो और भी बहुत और भी कुछ लेके। ये तो हमारी एक रवायत में से क्या ना जो होके जाते हैं, दो चीजें हैं, एक है परसेप्शन, एक है रियलिटी। रियलिटी लेकिन वो कहते हैं जी परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। या तो हमारे खिलाफ जो प्रोपोगेट किया जा रहा है, जो मीडिया वार है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसके पीछे हाथ बहुत लंबे है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये आपके एसोसिएशन की अगर हम बात करें, स्पेशली इंडस्ट्री के लिए क्या करी, अगर हम एक उसकी डिफाइन करें उसको कि इंडस्ट्री के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दे रही। देखिए हमारी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री किसी भी इकोनॉमी की ये बैकबोन है। वहीं से हालात का अंदाज़ा होता है पूरे मुल्क की, यानी कि गाड़ी का पहिया वहीं से चलता है। वही चलता है। तो हमारी इंडस्ट्री, हमारे वेंडर्स, हमारे जितने भी हैं, उन सब को पार्ट्स बना के दे रहे हैं। वो पार्ट्स अगर वो जापान से लेके आएंगे तो दो नुकसान है, एक तो बहुत महंगा होगा, एक दूसरे पैसे उधर जाएंगे। तो हमारी इंडस्ट्री ये दोनों काम कर रही है, कोई पैसे जाने से भी रोक रहे हैं और यहाँ से सस्ता पार्ट बना के भी दे रहे हैं, और हम जॉब्स और रोज़गार भी यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। और इस वक्त तकरीबन 4 मिलियन के करीब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये हमारा जो 300 मेंबर है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऑटो पार्ट्स वाले यही हैं, ये टीयर 1 है जो बड़े साइज के हैं, इस तरह टीयर 2 हैं, इस तरह टीयर 3 भी हैं, और ये तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 4 मिलियन के करीब हमारा इसको दे रहे हैं। अच्छा ये बता सकते हैं कि पंजाब में कितने परसेंट इंडस्ट्री हमारी है और सिंध में, ये कोई फिगर्स? मेरा ख्याल है 60-40 60-40 के रेशियो, सिंध 60 यहाँ पे, ज्यादा है, और कराची में लगभग इतनी है, 45 कर लें, 40 कर लें, जो कि आपको लगता है ग्रेजुअली और बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ रही है और लोग आ रहे हैं। देखिए एक बात देखिए आप, इतने हालात, इतने पेचीदा हालात में भी हम सरवाइव कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पोटेंशियल इज देयर। ऑब्वियसली मार्केट इतनी बड़ी है, गैप है। हाँ हमारी अपनी मार्केट बड़ी है, हमारी हाँ फिफ्थ बड़ी मार्केट है दुनिया में, हमारी दुनिया की हम पे नजरें हैं, दुनिया की नजरें इतनी गहरी हैं। आज थोड़ी सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, आप देखें यहाँ तो लाने लगी हुई जो इन्वेस्टर्स हैं, तो हालात ही ऐसे हैं, अभी बना दिए गए हैं, या क्या हुआ है, मैं क्या सब बना दिए गए। लेकिन इंशाल्लाह ऑफ इज वेल, यानी कि अल्लाह ताला बेहतर एंड होता है, हर चीज का एंड होता है, कोई चीज परमानेंट नहीं होती, रात के बाद दिन तो आना ही है, अल्टीमेटली इन चीजों ने दम तोड़ना है और जल्दी दम तोड़ना है। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन आप देख रहे हैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू, गुलाम मुर्तजा साहब मेरे साथ मौजूद है, और मैं थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक लूंगा, मिलते हैं हम आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। और ये कुदरत, खुदा किसी ने पहचानना हो तो बाकी चीज़ों के अलावा इस एक चीज़ से भी बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है कि इस माइक्रोचिप में, ये इस माइक्रोचिप में बिलियंस लोग कैसे समा सकते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में दोबारा से खुश आमदेद, पावर्ड बाय मॉडर्न स्ट्रीट ग्रुप ऑफ कंपनीज, गुलाम मुर्तजा साहब। तो गुलाम मुर्तजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो हम जानते हैं अब आगे थोड़ा सा इनकी ज़िंदगी का दूसरा पहलू जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो है हैंड रीडिंग। ये बड़ी इनकी तहकीक है जी इसके ऊपर, और वो क्या है मैं कोशिश करूँगा ये खुद ही बताएंगे। एक इनकी बुक भी आ रही है, बहुत जल्दी इसकी लॉन्चिंग भी होगी इंशाल्लाह, हम भी उसकी पीआर करेंगे नेशनली इंटरनेशनली, और उसके ऊपर मज़ीद ये खुद बताएंगे जी। गुलाम मुर्तजा साहब, हैंड रीडिंग का जैसे मैंने बताया कि आपका ये शौक़ था बचपन से, और गॉड गिफ्टेड चीज़ थी, अल्लाह ताला ने आपको ये अता की थी, फ़न कह लें इसको,
तो आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है इसके ऊपर, बहुत तहकीक के बाद थोड़ा सा मवाद इकट्ठा करने की कोशिश की है, और वो क्यों डिफरेंट है दूसरी चीज़ों से, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि प्लीज़। असल में इसके साथ हैंड रीडिंग के साथ एक बैड इमेज जुड़ा हुआ था जी, जो अभी तक भी जुड़ा हुआ है, जिसका किस्मत का हाल और ये उस तक महदूद रखा गया है, और उसको बहुत आमल किस्म के लोग जो हैं उन्होंने भी इसको मिसयूज़ कर रहे हैं, और कुछ एरियाज़ इसके मज़हब के साथ भी कन्फ्लिक्ट करते थे, और कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि वो फ्यूचर के बारे में वो हर से आखिर है उनकी बात, जो कि गलत है, वैसा नहीं होता। तो मैंने कुरान की एक आयत है सूरह अल-क़यामत की आयत नंबर 4 और 6, फिंगरप्रिंट्स या हाथ का पहला रेफरेंस वहाँ से मिलता है। उसमें लिखा है कि ये लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला कहता है कि मैं बुसीदा हड्डियों की कैसे इकट्ठी करूँगा, तो मैं इनके फिंगर प्रिंट्स रिस्टोर करने पर भी कादर हूँ। अब कुछ 100 साल पहले आके या 50 साल पहले आके साइंस को पता चला जनाब कि ये बायोमेट्रिक्स जो है ये भी कोई चीज़ है, और ये तो यूनिक आइडेंटिटी है, ये तो चिप है, और ये कुदरत खुदा किसी ने पहचानना हो तो बाकी चीज़ों के अलावा इस एक चीज़ से भी बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है कि इस माइक्रोचिप में, ये इस माइक्रोचिप में बिलियंस लोग कैसे समा सकते हैं, ये अल्लाह ताला का काम है। तो हाथों में मैंने देखा कि हाथों में कुछ चीज़ें, कुछ सदाकत है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत ही बेनिफिशियल हैं, लेकिन हम चूंकि वो उसको स्टिग्माइज कर देते हैं, एक लेबल लगा देते हैं कि जी ये है ही ख़राब है, ये गलत है, तो उसमें जो उसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं ना वो भी इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने फिर इस पर रिसर्च की, और रिसर्च करके इसको सेल्फ डिस्कवरी के लिए एक अल्टरनेटिव सबसे ऑथेंटिक टूल के तौर पे पेश किया मैंने, जीएम मॉडल। ओके, इस जीएम मॉडल में मैं फिंगरप्रिंट से, हाथों से आपकी पूरी पर्सनैलिटी डिकोड करता हूँ, आपका लाइफ पर्पस, लाइफ लेसन, आपके स्वॉट एनालिसिस पर्सनल, आपका मैनेजमेंट स्टाइल, आपका लीडरशिप स्टाइल, आपकी कंपेटिबिलिटीज़, ख्वा वो इमोशनल है, ख्वा वो एकेडमिक है, आपका करियर, आपकी जो गॉड गिफ्टेड अल्लाह ताला ने चीज़ें दी हुई हैं वो क्या हैं, क्योंकि मेरा ये यकीन है कि हर बंदा जो पैदा हुआ है वो यूनिक है, कोई बंदा फेल्यूर नहीं है। फेल्यूर कहने का मतलब, नाकाम कहने का मतलब ये है कि जिसकी फैक्ट्री में ये बना है उसकी फैक्ट्री में कोई फलाह है, उसकी फैक्ट्री में फलाह नहीं, उसने हर बंदा हर पुर्जा किसी काम के लिए मकसद के साथ मकसद के लिए बनाया। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है, प्रॉब्लम तो यहाँ होती है कि जब हम चीज़ों को, मार्केट ट्रेंड जो है उनको फॉलो करते हैं, पेरेंटल चॉइसेस को फॉलो करते हैं, और जो पीयर इन्फ्लुएंस है वो लेते हैं कि भाई ये कर लें, वो कर लें, वी नेवर ट्राई टू फाइंड आउट आवर इनबिल्ट पोटेंशियल। तो ये सारे का सारा जो है, ये मेरा जो जीएम मॉडल, ये सेल्फ़ डिस्कवरी पे, टोटल सेल्फ़ डिस्कवरी पे बेस करता है, और ये इसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो स्टूडेंट्स ले सकते हैं, माँ बाप ले सकते हैं, बच्चे ले सकते हैं। ये पैदा होते ही, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स तो माँ के पेट में बन जाते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है आपकी पर्सनैलिटी का, फर्स्ट सेगमेंट है। सेकेंड सेगमेंट जो पर्सनैलिटी का, जिसको साइकोलॉजी भी एक्सेप्ट करती है, वो आपकी अर्ली ग्रूमिंग है, वो 7 साल तक। आप हैरान होंगे कि जितने बच्चे पैदा होते हैं वो उनकी हथेली की शेप, पाम की शेप एक ही होती है। अच्छा, यानी कि दिस वन स्क्वायर होगी। ओके, और 7 साल तक वो डिटरमिन होती है, फाइनल शेप उसकी को बनती है, को रेक्टेंगल रहती है या स्क्वायरिश ही रहती है। ये है सेकंड पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, ये अर्ली ग्रूमिंग। इस पर माँ बाप का जो इन्फ्लुएंस है, माहौल, मुआशरा, बहन भाइयों का, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, एंड इट बिकम्स द पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। द थर्ड इज सिचुएशन यू आर लिविंग इन, ये भी हमारी पर्सनैलिटी पे करता है। लेकिन जो फिंगरप्रिंट्स हैं, ये हमारा कोर है, फिंगरप्रिंट्स तो ये माँ के पेट से ही बन जाते हैं, और हम वी आर एबल टू डिकोड, डिसाइफर फ्रॉम द डे फर्स्ट। फिर उसका फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा क्या है कि आप जिस किस्म की फसल है आपका बच्चा, आप कस्टमाइज्ड उसकी ग्रूमिंग कर सकते हैं, कि उसको पानी चाहिए ज़्यादा, उसको रोशनी चाहिए ज़्यादा। क्यों? कि भाई इंसान तो 5 किस्म के हैं, जो ब्रॉडर कैटेगरीज हैं, आग, पानी, हवा, मिट्टी, किसी में कोई एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है, किसी में कोई एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है, और 5वीं है मिक्स। तो 5 कैटेगरीज के आगे 3 हर कैटेगरी के पोल्स हैं,
लेफ्ट मिडल राइट, जो राइट पोल है वो आउटवर्ड है, जो लेफ्ट पोल है वो इनवर्ड है, और जो मिडल पोल है वो मॉडरेट है, एग्जीक्यूटर है। तो अब जब बच्चे आपको समझ जाएंगे कि ये बच्चा मेरा जो है ये न्यूरोटिसिज्म पे है, न्यूरोटिसिज्म की अपनी अपनी फील्ड्स हैं, आप उनको आप उसकी फील्ड में डालें, आप क्यों उसको उधर उस फील्ड में डालते हैं जो उसकी नहीं है। तो उसको आप कस्टमाइज किस्म की उसकी ग्रूमिंग करें। एग्रीएबलनेस पे बच्चा फॉल करता है तो उसको पुश बैक चाहिए होता है, वेल डन, उसको आप अप करें, उसको पुश करें। तो जब उसको आप थप्पी देंगे तो वो बहुत ज़्यादा फिर मोटिवेट होता है, अप्रिशिएट करेंगे जब। इसी तरह जो कुछ बच्चे हैं एक्स्ट्रोवर्ट हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो जब आप बच्चे, पांच बच्चे हैं आपके, एक स्टैंडर्डाइज तरीके से उनको डील कर रहे होते हैं, एक की पर्सनैलिटी बना रहे होते हैं, चार की बिगाड़ देते हैं। तो अगर आप आइडेंटिफाई कर लें इस ये बच्चा है क्या, इसका पर्सनैलिटी ट्रेट क्या है, इसके मोटिवेशनल टूल्स क्या हैं, हर बच्चे के मोटिवेशनल टूल्स मुख्तलिफ हैं, इसकी पसंद क्या है, इसकी नापसंद क्या है, ये किस फील्ड में ज़्यादा फिट हो सकता है। तो अब जब आप उसको उसका सॉफ्टवेयर पहचानते हैं, देखते हैं वो पौधा किस मिट्टी का है, तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो चावल है चावल नहीं उसी ज़मीन पे लगना जो प्रॉपर्टीज़ उसको सपोर्ट करती हैं। तो मेरा सारे का सारा काम बेसिकली इस पर। गुड, अच्छा अच्छा जो है वो इंसान जो है वो उसको जिस फील्ड के लिए बना है उसको आप फील्ड में डालने, हम मिस फिट ना हो, खा वो एजुकेशन है, फिर यही बात नहीं रुकती, आगे आपकी इमोशनल लाइफ शुरू हो जाती है। आप अगर कैरियर है आपका, फिर कैरियर है, हर हर चीज़ है, बड़ा कितने लेवल पे, ये एक शुरू के लेवल पे, जब बच्चा जब वालदैन के हाथ में होता है उस वक्त तो वालदैन ने ये चीज़ें टेक केयर करनी है ना। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है वो खुद चाहता है कि जी मैंने ये बनना है, तो फिर उस वक्त गलत डिसीजन हो गया तो हो गया, फिर होता गया 30-40 साल के बाद पता चलता है जनाब ये गड़बड़ हो गई है, चेंज करें, फिर वो स्विच ओवर करते हैं तो पहले सारे का सारा जीरो हो जाता है, नील हो जाता है, पूरी एनर्जी रिसोर्सेस सारे जाया जाते हैं और फिर एक नई चीज़ की बुनियाद रखता है। तो अगर वही बच्चा डे फर्स्ट के साथ आप इसको आइडेंटिफाई कर लें और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दें उसको, तो वो बच्चा वो डिलीवर करेगा, वो बच्चा मुआशरे में सोसाइटी में एक वो मॉडल इंसान के तौर पे सामने आए। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा साहब, इस पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई पेरेंट्स या कोई क्लाइंट आपका कह लें, वो किस एज में बच्चे को फिर आपके पास लाए, जब उसको समझ आ रही हो तब, यानी कि कौन सी एज ऐसी है जब आप उसको डिफाइन करेंगे कि इसको किस तरफ डायरेक्शन इसकी जानी चाहिए, इसके इंटरेस्ट क्या है? बच्चे के जो पहले 2-1.5 साल हैं, जब हम समझते हैं बच्चे को कुछ पता नहीं होता, वही अहम होते हैं सबसे। बच्चे को सब पता होता है क्या हो रहा है क्या नहीं, वो ऑब्जर्व कर रहा होता है ऑब्वियसली। माँ बाप के लिए तो फौरी जानना ज़रूरत उसकी ज़रूरत है उसके फिंगर प्रिंट से। दूसरा जो आपका है ना जी माइल स्टोन जो आता है वो 7 साल पे आता है। ठीक है, 7 साल में बच्चे की हाथ की शेप बन जाती है, तो उसकी पर्सनैलिटी का दूसरा लेवल जिसको हम ग्रूमिंग लेवल कहते हैं या अर्ली नर्चरिंग कहते हैं वो कम्प्लीट हो जाता है। फिर तीसरा जो है जब बच्चे ने एजुकेशन लेनी है, चौथा जब बच्चे ने जॉब करनी है, पांचवा प्रैक्टिकल लाइफ, पांचवा जब बच्चे ने शादी करनी है, उसका लाइफ पार्टनर क्या होगा, आग पानी नहीं मिलाना, ठीक, आग को और हवा को मिलाना है ताकि कम्प्लीमेंट करें, वाटर को और अर्थ को मिलाना है ताकि कम्प्लीमेंट करें। लेकिन हमारे यहाँ अमूमन ये प्रैक्टिस में तो नहीं होता, हमारे यहाँ तो बड़े माशरे, जिस माशरे से मेरा तल्लक है कि वो बचपन से रिश्ते भी तय पा जाते हैं, अब थोड़ा सा चेंजिंग भी हुई है, तो ये चीज़ों को यानी एजुकेट करने की ज़रूरत है, देखा जाए कहीं से तो हमने शुरू करना है। फॉर एग्जांपल अब कहते हैं जी एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लाइफ पर्पस, भाई लाइफ पर्पस जिसके जिसके पेट में रोटी नहीं है तो उसको स्ट्रगलिंग फॉर बेसिक्स एंड नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, वो लाइफ तो लाइफ पर्पस उसके लिए बेमाना है, उसके लिए जो हायरार्की ऑफ नीड पे जो मेज़लो ने सबसे ऊपर रखी हुई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसके लिए बेमाना है। तो वो पूरी साल तो वो पूरी जिंदगी तो वो आपके उम्र सारी तो वो गुजार देता है वो स्ट्रगल में। बिल्कुल, तो अगर ये चीज़ें उसको अवेलेबल हैं तो फिर ज़ाहिर है वो लाइफ पर्पस की तरफ भी जाता है, सोचता है। और मेरा ख्याल है कि ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं,
कोई हमने यही यहाँ रुक के तो नहीं रहना, इंशाल्लाह चीज़ें अब हर फील्ड में मैदान में पाकिस्तान में शुरू हो रही हैं इंशाल्लाह जी। मुझे उम्मीद रहेगी बहुत जल्द आपकी ये फर्स्ट क्वार्टर में आपकी बुक का वेट रहेगा। हाँ, बड़ी हेल्प करेगी सब। डिवाइन प्रिंट्स के नाम पे आ रही है बुक, इंग्लिश में है और हमारा मार्केट का ज़्यादा उसका बल्कि उर्दू वर्जन भी आप जी करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, और इसका हमारा फोकस ज़्यादा यूरोप अमेरिका में होगा। ठीक है, तो ये अपनी नौयत की पहली बुक है दुनिया में। ठीक है, क्योंकि इसमें चार चीज़ें, हैंड रीडिंग तो है ही है, हैंड रीडिंग के साथ हमने इसको मोटिवेशन को, सेल्फ डिस्कवरी को, लाइफ पर्पज़ को, इन सारी चीज़ों को जोड़ दी है उनके। गुड गुड, हाँ जी, मुझे भी बहुत इंतज़ार रहेगा, मेरे अदारे को भी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शाहिद मियाँ साहब आपका स्पेशली, और आपने टाइम निकाला और आपके टीवी का एशियन ट्रेड टीवी, तो बहुत बहुत आपकी मेहरबानी और शुक्रिया, मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू जी, प्लेयर जी हमारे लिए। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे आज ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में जो हमारे स्पेशल गेस्ट थे ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स को भी बड़े अच्छे तरीके से मुकदमा आपके सामने रखा और अचीवमेंट्स भी बताई उन्होंने, और जो उनके एक हुनर है, जो उनका पैशन था हैंड रीडिंग के हवाले से भी उन्होंने बड़ी इंफॉर्मेटिव किस्म की उन्होंने इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की है। तो मेरे अपने ज़ाती ख्याल में कि मुझे तो बहुत मज़ा आया है, और यकीनन आपको भी इंटरव्यू देख के बहुत मज़ा आएगा, फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए शाहिद मियाँ को अगले इस सफ़र के जारी और सारी के साथ, इंशाल्लाह अगले सफ़र में अगले ख्वाब के साथ अगले मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, पाकिस्तान जिंदाबाद। सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चलो अब्बा के पास इतने पैसे, अब्बा आपने घर क्यों बेच दी? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहाँ घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए, घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।